हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक का यूआरएल चेंज कर सकते हैं और उसे कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए वीडियो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक यूज़र नेम होता क्या है। फेसबुक यूज़र नेम आपका एक यूज़र नेम होता है फेसबुक आईडी का, उसे आप कॉपी करेंगे तो वो आपका यूआरएल बन जाएगा। उसको कॉपी करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड करेंगे तब वो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आपके प्रोफाइल पर पहुंच जाएगा, उसे आपको कहीं फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसे आपको कैसे यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे अपने फेसबुक के एप्लीकेशन में, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का आइकन नज़र आएगा। जैसे देखिए आप मेरी प्रोफाइल यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में देखिए आपको यूवर प्रोफाइल लिंक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए आपको www.facebook.com/syed.khaled09 ये मेरा यूज़र नेम है, इस या कह लीजिए कि URL है। तो आप सिर्फ यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं, इसे यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप हमें ये चेंज करना है तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, फेसबुक मैसेंजर। सभी लोगों के फ़ोन में वो इंस्टॉल होंगे, या अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम अपने फेसबुक मैसेंजर में जाते हैं। उसके बाद ऊपर आपको मेरे प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा होगा, फेसबुक के प्रोफाइल का, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आईडी यूज़र नेम आपको दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने अपना यूज़र नेम चेंज किया हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें कुछ और लेना है यूज़र नेम में, तो यहाँ पर मैं 9 हटा देता हूँ और 0 भी हटा देता हूँ। तो देखते ये अवेलेबल है या नहीं, देखिए ये यूज़र नेम अवेलेबल है नहीं, सिंपली हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। देखते हैं ये अवेलेबल है, इसे यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर यूज़र नेम पर आ जाएंगे और यहाँ से अगर आप इसे कॉपी करेंगे तो जब भी आप किसी को ये सेंड करेंगे तब उस लिंक पर क्लिक करके वो डायरेक्ट आपके मैसेंजर पर पहुँच जाएगा। तो आपको यहाँ से इसे कॉपी नहीं करना है, अगर आप यहाँ से कॉपी करके किसी को सेंड करेंगे तो आपके मैसेंजर पर पहुँचेगा, ना कि आपके फेसबुक प्रोफाइल पर। सिंपली मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं अपने दूसरे नंबर पर इसे सेंड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अपना वहाँ से URL यहाँ पर सेंड कर दिया है। अब सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा या जो भी इस पर क्लिक करेंगे, आप चाहो तो क्रोम ब्राउज़र, यूजी ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र ओपन करो, वो आपको डायरेक्ट मैसेंजर पर ही भेजेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लिया हूँ, देखिए डायरेक्ट आप फेसबुक के मैसेंजर में आ गए। तो आपको यहाँ से इसे कॉपी नहीं करना है, इसे कॉपी करने के दो तरीके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका तो यह है कि आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आपको फिर से अपना प्रोफाइल आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे लास्ट में योर प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। देखिए हमने वहाँ से उस URL को चेंज किया था, यूज़र नेम को, तो देखिए अब यहाँ से 9 हट गया है और सिर्फ 0 आ गया है। यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप मैनुअली टाइप कीजिए www.facebook.com, या फिर यहाँ पर आपको फेसबुक का आइकन नज़र आ रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरी दूसरी प्रोफाइल में ओपन हो गया हूँ, चलिए मैं आपको वो प्रोफाइल में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं, ये थोड़ा लोड लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको मेरे प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा होगा यहाँ आपको लेफ्ट साइड में, इसी तरह से आप अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे
इस तरह से ऊपर आपका फेसबुक URL बन चुका है। अब इसे सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। अब यहाँ से हम किसी को सेंड कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इस लिंक पर जो भी क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे प्रोफाइल पर पहुंच जाएगा, ना कि हमारे फेसबुक मैसेंजर पर। देखिए मैं अभी यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, इस तरह से देखिए यहाँ पर। और दूसरा मैंने जो आपको फेसबुक का अपने एप्लीकेशन में जो दिखाया था उसी तरह से आपको फेसबुक ओपन कर लेना है, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर सबसे लास्ट में आपको जो नज़र आएगा यूवर प्रोफाइल लिंक, यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर भी कॉपी करके आपको मैं दिखा देता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब जब भी कोई इसको क्लिक करेंगे तो वो भी सीधा हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर पहुँचेगा। अगर आप मैसेंजर से कॉपी लिंक करेंगे तो वो आपके डायरेक्ट मैसेंजर पर पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये दो तरीके यहाँ पर मैंने दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।